एक पति एक पत्नी और बीच में अगर आ जाए वो तो क्या होता है, खूब सारा ड्रामा, हंगामा और बवाल। हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ तन्वी सूद, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम मूवी रिव्यू करने वाले हैं मुदस्सर अजीज की मोस्ट अवेटेड फिल्म पति पत्नी और वो की। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी की। अभिनव त्यागी यानी चिंटू त्यागी, जिनका किरदार निभाया है कार्तिक आर्यन ने, वो कानपुर में एक सरकारी नौकरी करते हैं। चिंटू के माता पिता वेदिका यानी भूमि पडनेकर से उसकी शादी की बात करने पहुंचते हैं और पहली नजर में देखते ही त्यागी जी उसके प्यार में पागल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बात तो शादी तक पहुँच जाती है बॉस। इशकजादे, चिंटू और वेदिका की जिंदगी में सब सही चल रहा होता है कि तभी एंट्री हो जाती है तपस्या सिंह यानी अनन्या पांडे की। तपस्या कानपुर में अपने लिए बुटीक वर्कशॉप की जगह तलाशने वहां पहुंचती हैं। तपस्या को चिंटू के मैरिटल स्टेटस के बारे में पता चलता है तो वो थोड़ा संकोच करती हैं। लेकिन त्यागी अपनी शादी की लंबी चौड़ी कहानी से सब संभाल लेते हैं और फिर शुरू होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब धीरे धीरे चीजें हाथ से बाहर निकलती जाती है और फिर दिखता है ढेर सारा कन्फ्यूजन और ड्रामा। अब बात करते हैं स्टार्स की एक्टिंग की। तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी अनन्या पांडे ने इस बार पहले से बेहतर काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी इंप्रेसिव नहीं लगती है। वहीं कार्तिक आर्यन की अगर बात की जाए तो उन्होंने चिंटू त्यागी का रोल अच्छा निभाया है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की लगती है और भूमि पडनेकर एक टीचर की भूमिका में नजर आई है, जिन्होंने ऑडियंस को खूब इंप्रेस किया। इन तीनों किरदारों के अलावा जिसने अपनी कॉमिक टाइमिंग से स्क्रीन पर अच्छा परफॉर्म किया वो है अपार शक्ति खुराना। जी हाँ, उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो जिस भी फिल्म में होते हैं उसमें कमाल करते ही करते हैं। इस फिल्म में दोनों की दोस्ती आपको फिल्म लुका छुपी की याद दिला देगी। वहीं अब बात कर लेते हैं फिल्म की कमजोर और अच्छी कड़ियों की। पहली बात तो ये है कि निर्देशक मुदस्सर अजीज ने पूरी फिल्म का स्क्रीन प्ले एकदम टाइट रखा है। आप पूरी फिल्म में हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। फिल्म के डायलॉग्स तो फिल्म की जान है, क्योंकि हर एक डायलॉग कमाल का लिखा गया है। फिल्म में कई ऐसे सीन्स आते हैं जहां आप अपने आप को सीटी मारने से नहीं रोक पाएंगे। वहीं फिल्म के गाने भी शानदार है। धीमे धीमे, अखियों से गोली मारे तो सुपरहिट साबित हुए हैं। भले ही फिल्म 1978 में आई रंजिता, विद्या सिन्हा और संजीव कुमार की फिल्म पति पत्नी और वो का रीमेक है, लेकिन स्टिल जिस तरह से मॉडर्न तरीके से इस फिल्म को दिखाया गया है वो काबिले तारीफ है। वहीं अगर कमजोर कड़ियों की बात की जाए तो एज सच कुछ फिल्म में खराब नहीं है, लेकिन अगर एडिटिंग और बेहतर हो पाती तो और भी ज्यादा मजा आ जाता। वहीं ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि ये फिल्म आपको गुदगुदाने के बजाय आपको पति पत्नी के रिश्ते में भरोसे का क्या महत्व है ये भी समझाती है और आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। वेल गाइज, हमारी तरफ से हम इस फिल्म को देना चाहेंगे 5 में से 4 स्टार्स। जब ये फिल्म ऑफर हुई थी तब उसके बाद ये एक डिसीजन लिया था कि मैं नहीं देखता हूँ ये फिल्म, बिकॉज इरिस्पेक्टिव वो मतलब मैं अपने एक तरीके से काम करना चाहता था इस फिल्म में, और एक नयापन अगर इस फिल्म में ला रहे थे और एक मॉडर्न टेक जिस फिल्म में लेकर आ रहे थे, तो उसमें अगर मैं वो चीज़ देखता तो वो गलती से भी मेरे सबकॉन्शियस लेवल से भी वो चीज़ ना हो, तो वो चीज़ ट्राई की है इसमें। तो आई डेंट वॉच इट अगेन, बट मैंने बहुत पहले शायद से सालों पहले फिल्म देखी थी शायद टीवी पे, दैट्स अबाउट इट। बट इट्स अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी, मतलब संजीव साहब वो लेजेंडरी रहे हमेशा से, एंड दिस होल फिल्म पति पत्नी और वो, इसका टाइटल ही इतना स्ट्रॉन्ग टाइटल है कि ऑटोमेटिकली आपको पूरी फिल्म भी कहीं ना कहीं दिखती है। सेम थिंग फॉर भूमि आल्सो, लाइक आई थिंक विद्या सिन्हा जी वाज देयर एंड वो, आई डोंट रिमेंबर वो कौन था। हाँ, रंजीता जी। हाँ, if you, same question I'm asking you all. Yeah, again, I'd seen it like years ago. Lekin jab mere paas Juno film laya tab maine socha maybe I should watch it, but then maine nahi dekhi because jaise Kartik ne kaha ki ek a new age take hai on the old film, jo ye type ki relationship hoti hai uska ek modern version hai, so I didn't really feel the necessity to go watch it. You know, but it's a cult classic and they are fantastic actors. And I really hope जितना मज़ा तब लोगों को पति पत्नी और वो देख कर आया था अब और भी ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि हमने तो बहुत मज़े किए फिल्म में। अच्छा, मुदस्सर जी से एक सवाल है इस साइड। हाँ, मैंने सर
हाँ, उनका सवाल खत्म हो जाए। मैंने एक्चुअली पिक्चर साइन करने के बाद देखी थी, क्योंकि मुझे हिंदी पिक्चरें देखने में बहुत मज़ा आता है, और मुझे वो गाना आदम और हवा दोनों वो बहुत पसंद है। तो हाँ, ग्लैमरस आई थिंक हमारी फिल्म में थोड़ा ज़्यादा ग्लैमर है, और हाँ मुझे बहुत फ़नी लगी, पर आई थिंक हमारी फिल्म मॉडर्न वर्जन है, आज और ज़्यादा रिलेट करेंगे लोग। हाँ तो पर मुझे ओरिजिनल भी बहुत पसंद थी। हेलो भूषण, अच्छा मुदस्सर जी, मैं सवाल ये था कि पुरानी फिल्म तो सभी ने देखी, क्लासिक फिल्म जी जी, जब इसका रिमेक बन रहा है तो डेफिनेटली कुछ चेंजिंग तो आपने किए होंगे, तो या फ्रेम टू फ्रेम है? जी, मैं इत्तेफाक से, इन्होंने वो सवाल मेरी तरफ डायरेक्ट नहीं किया, वरना उसके जवाब में मैं ये कहता कि मैंने वो फिल्म 100 मरतबा देखी है कम से कम। तो उसके उसका दरअसल रीज़न बड़ा स्ट्रॉन्ग ये था कि जब बी आर साहब वो फिल्म बना रहे थे 1978 में, ही वॉज मेकिंग अ वेरी बोल्ड फिल्म फॉर 1978। हम सब ये बात जानते हैं कि फिर दौरे ज़मां बदला है, दशक पे दशक लोगों के सोचने के तरीक़े बदले हैं, तो वो बोल्ड फिल्म जो सन 78 के लिए बोल्ड मानी जाती थी, वो शायद 2019 में हमको उसको विथ अ सर्टन पास्ट इन माइंड देखना पड़ता। तो 2019 के लिए अगर आपको एक बोल्ड फिल्म बनानी थी, और 2019 में अगर आपको पति पत्नी और वो के रिश्ते को अगर एक एक सॉर्ट ऑफ कल्मिनेशन और एक कंप्लीशन देना था टू व्यू फ्रॉम द आउटसाइड, तो जाहिर था कि उसको एक नए सिरे से लिखना पड़ता। तो ये कोशिश मेरी रही है कि मैं उस एसेंस को जो जो बी आर साहब ने उस फिल्म में कहने की कोशिश की थी, उस एसेंस को बरकरार रखूं, लेकिन आज के दौर के हिसाब से उसमें कुछ एक ऐसी बातें कहूं जो आज रेलेवेंट हैं और रेलेवेंट हो गई हैं हम सब के बीच। माय क्वेश्चन इज फॉर जूनो। हेलो भूषण सर, जूनो हियर ऑन योर राइट, ऑन योर राइट, जूनो राइट, वो जूनो, ये फिल्म की कास्टिंग को लेके भी काफ़ी बैक एंड फोर्थ हुआ था, यू नो लॉट ऑफ न्यूज एंड हैपेंड, कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट हाउ द कास्ट फाइनली केम अराउंड, एंड तापसी वाज आल्सो सपोज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म इनिशियली, बट शी हैड वॉक्ड आउट और समथिंग, सो कैन यू गिव अस सम। ये सवाल आई थिंक आपने ही पूछा था ना, सांड की आग के टेक्नोलॉजी। नहीं, आई एम आस्किंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, मैंने कहा दिस इज कांस्टेंटली Always when I saw the film, I saw Karthik, Bhumi and Ananya, and I promise you this, they don't know that I took very long to convince them, and they know that including Bhumi, including Ananya was actually the easiest one. Yeah. He was easily convinced. But, yeah. And for me, when I heard the script and when we worked on the script, these are the only people I saw, and they were always my first choice, and I'm just very, very happy, and I've just enjoyed working with them. The three of them have been just, exhilarating. It's been such a fun Wonderful. Ride. And yeah, see, everyone's laughing because they give me a lot of stress also. You think he looks like a stressful producer? Please say, does he? बाल भी खड़े होने लग गए। हेलो, हाय, दिस इज आकाश भटनागर। भूषण सर, आई वांटेड टू आस्क यू, यू आर वर्किंग विद कार्तिक इन पति पत्नी वो, देन इन भूल भुलैया 2, सो हाउ इज इट वर्किंग विद कार्तिक दैट यू हैव कास्ट हिम अगेन इन वन ऑफ योर मूवी? सोनू के टिटू की स्वीटी भी। सोनू के सीटी सर, इतना क्यों काम कर रहे हो सर मेरे साथ? तुम चल रहे हो ना आजकल, इसलिए कर रहे हो। छक्का मार दिया सर, आउट ऑफ बाग। नहीं, ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, एंड जिस तरीके की इस पिक्चर में किरदार चाहिए था, एंड आई थिंक कार्तिक उस पति के किरदार में बहुत अच्छा सूट किया, इसलिए भी कीप ऑन। एंड भूल भुलैया इज ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट जो हम लोग साथ में शुरू कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम भूमि। इन 3 मंथ्स यू आर शोइंग अस 3 different sides ऑफ योर सेल्फ। पीपल एक्सेप्टेड यू सो मच फॉर सांड की आग, नाउ यू आर डूइंग अ डिफरेंट रोल इन बाला, एंड देन पति पत्नी वो इज एक्सट्रीमली डिफरेंट। सो हाउ डू यू मैनेज टू डू दिस? हाउ इज डिफिकल्ट इज इट टू गेट इन टू द स्किन ऑफ ईच कैरेक्टर एवरी टाइम? इट इज डिफिकल्ट बिकॉज द अर्लियर 2 films आर एक्सट्रीमली डिफरेंट। It's just difficult every time, even for Pati Patni or Wo, because as I said even earlier, I've not seen myself like this on the big screen. You know, in my head and in my real life, I'm always like this. But the audience has not seen me like this. So it was very exciting for me to play Vedika, because I was like, okay,
a new avatar, and a lot of work goes into it, and it's not my work alone. There's an entire team that works behind creating a character. Where Vedika specifically is concerned, I remember having like long conversations with Juno, Mudassar sir, all of us actually. We would sit and we would talk about what every character's attributes are, you know, what is she. So for me, she is somebody who's always full of oomph, you know. She knows who she is. She's a very confident girl. She knows she has a certain effect on the opposite gender, and she's just strong, you know. Ananya, I just yes. One question.